हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगियल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं व्रत की फरा रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये वैसे तो ट्रेडिशनली राइस फ्लोर से बनता है, चावल के आटे से बनता है। ये छत्तीसगढ़ की फेमस रेसिपी है। हम व्रत के लिए फरा बना रहे हैं तो हम भगर का जो चावल रहता है, जिसे व्रत का चावल भी कहते हैं, सवा का चावल भी कहते हैं या भगर भी कहते हैं, तो उसका हम आज फरा बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या सामग्री चाहिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं उपवास के फरा के लिए यहाँ पर मैं एक कटोरी सवा ले ली हूँ, जिसे सवा भी बोलते हैं, जिसे भगर भी बोलते हैं या जिसे उपवास का चावल भी बोलते हैं। ये देखिए ये ऐसे रहता है। ये प्रोविजन स्टोर्स में बड़ी आसानी से ये मिल जाता है। ये देखिए ये दानेदार रहता है। आप उपवास का चावल बोलेंगे तभी भी ये आसानी से मिल जाएगा। तो एक कटोरी में सवा की चावल ले ली हूँ। यहाँ पर मैं तेल ले ली हूँ। यहाँ पर मैं एक गिलास पानी ले ली हूँ। एक कटोरी सवा रहेगा तो डेढ़ कटोरी पानी रहेगा, और उबालने के लिए भी पानी ले ली है। यहाँ पर मैं सेंधा नमक ले ली हूँ। ये देखिए ये उपवास में जो सेंधा नमक खाते हैं वो वाला नमक है ये। और राई ले ली हूँ तड़के के लिए, और एक हरी मिर्च ले ली हूँ जिसे बड़े टुकड़ों में कट करके ले ली हूँ, और गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती ले ली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसमें इस सवा को अच्छे से पीस लेंगे। जिस प्रकार चावल का आटा होता है वैसे ही हम ये सवा को आटा बना लेंगे। हम मिक्सी के जार में इसको डालकर इसे अच्छे से पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हम इसे फाइन पाउडर बना लिए हैं। ये देखिए जिस प्रकार चीला का आटा रहता है वैसे ही हम सवा को पीसकर ये ऐसे पाउडर बना लिए हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं गैस ऑन करके पैन चढ़ा दी हूँ। अब इस पैन में हम एक कटोरी सवा लिए थे तो एक कटोरी पानी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और एक चम्मच के करीब हम तेल डाल देंगे। ये देखिए एक चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब जो हम ये पाउडर बनाए थे सवा का, जो भगर का हम पाउडर बनाए थे, इसमें मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देंगे। ये देखिए ये 5 मिनट हो गया है। जब ये हल्का गर्म रहेगा उसी समय हम इसे आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए अगर हाथ में चिपके तो थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हाथ में और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से एक डो बना लेंगे। इसे अच्छे से मसल कर हम इसे एक डो बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले लेंगे और हाथ में लगा लेंगे। बस छोटा सा ही पोर्शन बना लेना है और बाती का शेप दे देना है। ये देखिए ये ऐसे बाती का शेप दे देंगे। सभी को ऐसे ही हमें बना लेना है।
ये बहुत ही टेस्टी लगता है और उपवास के लिए ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करिए। जैसे ही हाथ में चिपकने लगे तो आप हाथ में तेल लगा सकते हैं और इसे आसानी से बना सकते हैं। जब तक हम फरा बनाते हैं तो उस तरफ हम गैस में पानी चढ़ा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पानी चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर मैं गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। अब इस कढ़ाई में हम पानी डाल देंगे और एक जाली रख देंगे। ये देखिए, ये जाली रख देंगे और इसे ढक देंगे। इसे लीड लगाकर हम छोड़ देते हैं, तब तक हम फरा बना लेते हैं। ये देखिए, सारे सवा की फिंगर्स बनकर तैयार है, फरा बनकर तैयार है। अब इसे हम एक छन्नी ले लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से है ये, या आप प्लेट भी ले सकते हैं या थाली भी ले सकते हैं। अब इसमें हम तेल लगा लेंगे। हम तेल लगा लिए हैं। अब इसमें ये फरा को डाल देंगे। ये देखिए, इसको फैला देते हैं, हल्के हाथों से आप फैला लीजिए। ये देखिए, तो चलिए अब इसे हम उबालने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, ये पानी उबल चुका है। अब इसमें इसको डाल देंगे। ये देखिए, इसको सेट कर लिए हैं। अब लीड लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम में हमें इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम कर दी हूँ। ये देखिए, 5 मिनट हो गया है ये। इसे 5 मिनट और पका लेते हैं। ये देखिए, ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये पक गया है। ये देखिए, ये पक गया है। अब इसे हम उतार लेते हैं। अब यहाँ पर मैं गैस ऑन करके पैन को चढ़ाती हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल डाल दूंगी। ये देखिए, मैं 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये तेल गर्म हो चुका है। फरा को छौंक लगाते समय सफेद तेल डाला जाता है, लेकिन हम उपवास के लिए बना रहे हैं, इसीलिए सिर्फ मिर्च और ये राई का उपयोग करेंगे। अब इसमें हम फरा को डाल देते हैं और इसे हल्के हाथों से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, अब इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। ये देखिए, हमें सिर्फ इतना ही फ्राई करना है। अगर आपको थोड़ा कुरकुरा चाहिए तो इसे ज्यादा सेक सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल रेडी है, ये हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी और इसे गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक सर्विंग प्लेट ले ली हूँ। अब इसे इसमें हम ये फरा को डाल देंगे। ये देखिए, ये सवा का फरा बनकर तैयार है। इसे सवा फिंगर भी बोल सकते हैं। अब इसे हम धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
व्रत की फरा रेसिपी बनकर तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।